हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे स्पेशल रिक्वेस्टेड क्लास बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। नो डाउट आज का क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज ए रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन इन द सिक्स कोडोन एबोलिशिंग वन ऑफ द MSP सेकेंड इंडोन्यूक्लियस डाइजेशन साइट प्रेजेंट इन द बीटा ग्लोबिन जीन। MSP2 डाइजेस्टेड DNA फ्रॉम ए नॉर्मल पर्सन गिव्स टू बैंड 1150 बेस पेयर एंड सेकेंड इट 200 बेस पेयर। इन द बीटा ग्लोबिन जीन ए फैमिली विथ ए प्रो बैंड बेस्ड ऑन द डिजीज फिनोटाइप गेव द फॉलोइंग MSP सेकेंड डाइजेशन पैटर्न। ये बेस पेयर है, एक 1350 है, 1150 है और 200 का है। मदर का दो बैंड है 1150 200, फादर का तीन बैंड है 1350 1150 200। ये सन है, ये डॉटर है और ये सन है। इस पैटर्न को देख के जो स्टेटमेंट दिया गया है कंक्लूजन, उसमें से कौन सा सही है। सबसे पहले तो समझते हैं कि सिकल सेल एनीमिया है क्या। सिकल सेल एनीमिया बीटा ग्लोबिन जीन में पॉइंट म्यूटेशन से होता है। GAG जो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड सिक्स पोजीशन पे, वो टी में कन्वर्ट हो जाता है। एक इसमें कन्वर्ट हो गया टी में, और वो कोड करता है वैलिन को। मतलब ये सिक्स पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड था वो वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही है सिकल सेल एनीमिया। तो डिजीज, ये जो डिजीज है ये दो सिंगल पेयर जीन से कंट्रोल होता है, HbA एंड HbS। इसमें तीन कंडीशन आएंगे, या तो HbA होगा, या तो HbS होगा, या तो HbS होगा। यही कंडीशन जो है सिर्फ डिजीज्ड कंडीशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। कहने का मतलब कि इसको XX और XY से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑटोसोम है। मतलब कि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड है। अगर फादर में ये है तो ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल कैरियर होगा। अगर ये है फादर का तो ये डिजीज्ड होगा। उसी तरह मदर में भी, यानी फीमेल में भी अगर ऐसा होगा तो ये कैरियर होगा, और अगर ऐसा होगा तो ये डिजीज्ड होगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। अब अगर सिकल सेल एनीमिया किसी को हो गया है तो यहाँ लो ऑक्सीजन होगा। लो ऑक्सीजन के केस में हीमोग्लोबिन जो है वो पॉलीमराइज हो जाता है। म्यूटेंट के कारण लो ऑक्सीजन हुआ, ये पॉलीमराइज हो गया, और जब पॉलीमराइज हो जाता है तो ये RBC जो राउंड होता है ये कॉनकेव हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। पहले ये ऐसे रहता है और फिर ये ऐसे हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल दो बैंड देता है, 1150 बेस पेयर का और 200 बेस पेयर का। इस आधार पर अगर इसको देखेंगे, इसमें फादर अफेक्टेड है। अफेक्टेड करने का मतलब है कि दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये डिजीज्ड है या तो ये कैरियर है। दूसरा डॉटर, या तो ये डिजीज्ड है या तो ये कैरियर है। सन जो है वो नॉर्मल है, और इस सन में सिर्फ एक ही बैंड है। तो अगर मदर जो है कंप्लीटली नॉर्मल है, मतलब AA है, और फादर में आइदर तो AAS है ये अगर कैरियर है, और अगर डिजीज्ड है तो ये ऐसा होगा, क्योंकि रिसेसिव है तो दोनों का होना जरूरी है डिजीज के लिए। अब कहता है कि अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन आ सकता है कि ये नॉर्मल हो, और एक ऐसा कंडीशन आ सकता है कि ये कैरियर हो। लेकिन अगर ये कंडीशन है फादर का, तो इसको कीजिए, अगर मदर नॉर्मल है तो जितने भी इसके चिल्ड्रन होंगे वो सभी क्या होंगे, करियर होंगे। कोई दो बात नहीं, क्योंकि एक जीन यहाँ से जो आएगा वो डिजीज्ड वाला होगा, और एक नॉर्मल आएगा तो हमेशा सभी करियर होगा।
और इसमें से इसका सन जो है एक नॉर्मल है, इसका मतलब है कि उसका पिता फादर जो है वो डिजीज नहीं है, उसका फादर कैसा है, कैरियर है। इसी स्थिति में संभव है कि उसका जो एक बेटा हो वो नॉर्मल हो सकता है। मतलब इतना कंक्लूजन निकला हम लोगों में कि मदर जो है वो नॉर्मल है और फादर जो है वो कैरियर है, इतना समझ गए। अब आते हैं उसके ऑप्शन पे। कहता है कि सन वन इज प्रोबेंड एंड गिवन म्यूटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन सन टू। ये तो सही कह रहा है कि सन वन में प्रेजेंट है, सन टू में नहीं है, मतलब ए नंबर सही है। दूसरा कहता है द डॉटर इज ए कैरियर फॉर द गिवन म्यूटेशन। डॉटर कैरियर है, डिजीज नहीं हो सकता क्योंकि एक ही पेरेंट में से कोई एक ही अफेक्टेड है, कैरियर है तो डिजीज नहीं हो सकता, ये सही है। सी नंबर कहता है द जीन इज एक्स लिंक्ड, ये तो ऑटोसोमल होता है, ये तो गलत है, एक्स लिंक्ड होता ही नहीं है। द फादर एंड डॉटर अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड नहीं है, अभी हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है, तो ये भी गलत है। ए डिनोवो म्यूटेशन इन द सेम साइट और नॉर्मल एलील हैज लॉट अपेयरेंस ऑफ डिजीज फिनोटाइप इन द प्रोबेंड, ये सही है। डिनोवो म्यूटेशन कहते हैं जो फैमिली में पहली बार म्यूटेशन होता है या जिससे डिजीज होता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी और ई, क्या ऑप्शन में है ऐसा, ए बी और ई, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसेटेलाइट आर यूज एज ए मार्कर फॉर आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल वी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम लोग बेहतर पढ़ चुके हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। एज द एलील में डिफर इन द नंबर ऑफ रिपीट फ्रॉम द साउदर्न ब्लॉटिंग शॉन बिलो आइडेंटिफाई द प्रोजेनी। ए बी सी डी प्रोजेनी दिया है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है, मदर है, मदर में एक बैंड यहाँ पर है, एक बैंड यहाँ पर है, और फादर में एक बैंड यहाँ पर है, एक बैंड यहाँ पर है। तो जो चिल्ड्रन होगा तो मदर और फादर से एक जीन यहाँ से आता है, एक जीन यहाँ से आता है, मतलब दोनों का कुछ न कुछ जीन यहाँ पे जरूर रहता है। तो देखेंगे कि ए में क्या है, मदर का कैरेक्टर है एक और एक फादर का कैरेक्टर है, मतलब ए उसका प्रोजेनी है। दूसरा बी में फादर का कैरेक्टर है, मदर का कैरेक्टर है, मतलब बी भी उसका प्रोजेनी है। सी में क्या है, एक मदर का कैरेक्टर है और दूसरा भी मदर का कैरेक्टर है, मतलब ये उसका प्रोजेनी नहीं है, ये मदर का ही फिंगरप्रिंटिंग है। और डी में एक फादर का कैरेक्टर है, एक मदर का, मतलब ये उसका प्रोजेनी है, मतलब ए बी और डी जो है उसका प्रोजेनी है और सी जो है वो जस्ट मदर का ही दूसरा कॉपी है। ए बी और डी, ऑप्शन बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनालिसिस ऑफ फोर माइक्रोसेटेलाइट मार्कर वाज कैरीड आउट इन ए फैमिली शोइंग ए जेनेटिक डिसऑर्डर, द रिजल्ट आर समराइज बिलो। ये रिजल्ट बताया गया है, समरी दिया गया है। क्वेश्चन कहता है बेस्ड ऑन द एबव विच ऑफ द मार्कर शोन लिंकेज ऑफ टू द डिसऑर्डर, ये है M1, M2, M3, M4, ये दोनों प्रोजेनी है, ये पेरेंट वन है और ये पेरेंट टू है। तो पेरेंट वन क्या है, डिजीज है, यहाँ से देख सकते हैं। तो पेरेंट वन डिजीज है, इसमें दो मार्कर है, एक मार्कर फोर है और एक मार्कर टू है। पेरेंट टू नॉर्मल है, पेरेंट टू में ये दोनों मार्कर नहीं है, इसका मतलब हो सकता है दोनों डिजीज का हो। आते हैं वन में, फिर वन डिजीज है, वन में मार्कर टू अवेलेबल है, मार्कर फोर नहीं है, इसका मतलब एम टू ही डिजीज का मार्कर है। आगे चेक करते हैं टू में, टू में भी एम टू का होना जरूरी होगा, यहाँ भी एम टू है, एम फोर नहीं है, मतलब ये एम टू डिजीज मार्कर है। थ्री में नहीं होना चाहिए क्योंकि थ्री नॉर्मल है, इसमें नहीं है। फोर में भी नहीं होना चाहिए, नहीं है। फोर में और थ्री में मार्कर फोर है, मतलब मार्कर फोर डिजीज का मार्कर नहीं है। फाइव में होना चाहिए क्योंकि फाइव डिजीज है, फाइव में भी है, सिक्स में भी है, मतलब एम टू एक ऐसा मार्कर है जो वो सभी इंडिविजुअल के पास है जो डिजीज कैरी कर रहा है, इसका मतलब एम टू ही डिजीज का मार्कर है, डिसऑर्डर का, करेक्ट ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों, एपोप्टोसिस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए हैं डाउट क्लास में, तो बिल्कुल भी देखना ना भूले, कल 11 बजे एक एक्सक्लूसिव वीडियो एपोप्टोसिस की कहानी, एपोप्टोसिस का पूरा बात करेंगे हम लोग और उससे जुड़े सवाल के बारे में भी बात करेंगे कि सीएसआर में किस तरह सवाल आते हैं,
और एक दो सवाल हम लोग हल भी करेंगे। कल 10 बजे एपोप्टोसिस की पूरी कहानी और इससे जुड़े CSL के क्वेश्चंस। एक्सक्लूसिव वीडियो ओनली ऑन कोडन बायोलॉजी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं कोडन बायोलॉजी। Thank you for watching the video. Be healthy, be happy. Share the video and help others also.